शिव प्रेम है, शिव करुणा है, शिव कल्याण के देव हैं और बुराइयों के सहारक हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का पूजन भाग्य को भी बदल सकता है, लेकिन हर राशि के जातकों को अलग तरीके से इस महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए। सबसे पहले मेष राशि के लोग गुड़ के जल से शिव का अभिषेक कर लाल पेड़ा, लाल चंदन और कनेर के फूल चढ़ाएं। वृष राशि वाले दही से अभिषेक कर शक्कर, चावल, सफेद चंदन, सफेद फूल चढ़ाएं। मिथुन राशि वाले गन्ने के रस से अभिषेक करें और मूंग दूध खुशा चढ़ाएं। कर्क राशि वाले घी से अभिषेक कर सकते हैं, चावल, कच्चा दूध, सफेद अर्क, शंख पुष्पी के फूल अर्पित कर सकते हैं। सिंह राशि वाले गुड़ के जल से भगवान शिव का अभिषेक कर गुड़, चावल की खीर का नैवेद्य यानी मिठाई और मदार के फूल अर्पित कर सकते हैं। कन्या राशि वाले गन्ने के रस से अभिषेक करने के साथ मूंग दूध पान अर्पित कर सकते हैं। तुला राशि वाले सुगंधित तेल या इत्र से अभिषेक करें, दही, शहद, श्रीखंड, कनवैद, सफेद फूल चढ़ाएं। वृश्चिक राशि वाले पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, लाल मिठाई, लाल पुष्प भगवान को अर्पित कर सकते हैं। धनु राशि के लोग केसर हल्दी युक्त दूध से अभिषेक करें और केसर, बेसन की मिठाई, गेंदे के फूल भगवान शिव पर चढ़ाएं, अर्पित करें। मकर राशि वाले नारियल पानी से भगवान शिव का अभिषेक करें, उड़द की मिठाई, नील कमल के फूल अर्पित करें। कुंभ राशि के लोग तिल के तेल से अभिषेक कर उड़द की मिठाई और शम्मी बेलपत्र चढ़ाएं। मीन राशि वाले केसर युक्त दूध से अभिषेक कर दही, भात का नवेद, पीली सरसों और नाग केसर के फूल अर्पित कर सकते हैं। अपनी राशि के अनुसार भगवान शिव की इस महाशिवरात्रि पर पूजा अर्चना करने से, उनका अभिषेक करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो भी आपकी इच्छा है वह आपको मिल जाएगा, क्योंकि देवों का देव महादेव सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाले हैं और यह महाशिवरात्रि ही है जिस पर ना कोई नक्षत्र ना कोई ग्रह असर डाल सकता है। महाशिवरात्रि पर अपनी राशि के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से, उनका अभिषेक करने से जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण होती हैं।